जानकारी लेते हैं। SC ST वेलफेयर जो बोर्ड बनाया है, प्रदीप जी बहुत अरसे से आप काम कर रहे हैं और यहाँ समाज की सेवा करते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि आप समाज की सेवा करें, तो आपको SC ST वेलफेयर में जाने की क्या जरूरत पड़ी थी? देखिए, मंत्री जी ने सभी सदस्यों को बहुत बारीकी से परख कर बनाया है और इसलिए पिछली सरकारों में भी बोर्ड मेंबर रहे हैं, लेकिन इस सरकार में बहुत सक्रिय रूप से काम हो सके और SC ST लोगों के ऊपर जो भी जातियाँ होती हैं, उनकी जो भी परेशानी है, उनके लिए जो मेंबर्स हैं वो हमेशा 24 घंटे खड़े रहें, तैयार रहें। इसलिए मंत्री जी ने बहुत अपनी देखरेख में, निगरानी में एक एक सदस्य को परखने के बाद उस SC ST वेलफेयर बोर्ड में जगह दी है। ठीक है, तो ऐसे ही कोई संभावना नहीं है कि जो मेंबर बने हैं वो काम नहीं करेंगे, किसी का फ़ोन कॉल नहीं उठाएंगे। सभी से हमें ऐसी उम्मीद है कि सभी जो है 24 घंटे तैयार रहेंगे कि SC ST समाज के ऊपर कभी भी कोई परेशानी नहीं आए। अगर कोई आती है तो उसके लिए हमेशा तैयार हैं, चाहे वो किसी को जातिगत बात बोलना है, भेदभाव करना है, या इनफैक्ट जैसे बच्चों का एडमिशन नहीं होता, कुछ भी परेशानी है, उसके लिए हम सारे लोग मिलकर काम करने वाले हैं और मंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि इतने समाज के लिए समर्पित मंत्री जी कभी आए नहीं हैं और इससे अच्छा वेलफेयर बोर्ड अब तक दिल्ली की सरकार में नहीं होगा SC ST का। धन्यवाद सर।